वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल यूट्यूब चैनल है श्री बेनी माधव अग्नोत्री इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज का, और बाल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या कुछ हुआ उसी का वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से फीता काट कर यहाँ शुभारम्भ किया गया। बाल दिवस के उपलक्ष्य में नए नए गेम्स, सब खेलों सब जीतों के आधार पर नए नए गेम्स यहाँ पर बच्चों को खिलाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से आंखों में पट्टी बांध कर ये बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा गेम है जिसमें आंखों में पट्टी बांध कर, और ये डिटेल में देखने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जैसे ही हम ये वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा और आप वीडियो को देख लेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बाल दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले यहाँ पर केक काटकर और फीता काटकर शुभारंभ किया गया स्लो साइकिल रेसिंग का गेम खिलाया गया। इसके बाद सब खेलों सब जीतों के आधार पर अन्य गेम्स भी आयोजित किए गए। निश्चित रूप से अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो फुल एंजॉय आपको मिलने वाला है, ऐसा ये वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्लो साइकिल रेसिंग का उद्देश्य ये है कि बच्चे संयमित ढंग से साइकिल चलाएं, या कोई भी वाहन क्यों ना चलाएं, रोड पर संयमित ढंग से चलाना उन्हें आना चाहिए। तो आज की वीडियो में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्लो साइकिल रेसिंग, जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रत्येक क्लास के बच्चों ने पहले फर्स्ट राउंड में क्लास वाइज, ये देखिए कक्षा 6 के ये बालक और बालिकाएं लगातार यहाँ पर स्लो साइकिल रेसिंग करते हैं, और इस कक्षा 6 का जो विनर होगा, फिर इसके बाद कक्षा 7 का विनर होगा, कक्षा 8 का, सभी क्लासेज के विनर्स के बीच में फाइनल राउंड खेला जाएगा। और उस फाइनल राउंड में कौन विजेता होगा वो अब हम आपके इस वीडियो में सभी क्लासेज के संक्षिप्त वीडियो दिखा रहे हैं, और इसके बाद में फाइनल राउंड भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप धैर्य के साथ अंत तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा, यही आपसे अनुरोध है। एक बार पुनः अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस तरह से स्लो साइकिल रेसिंग की जो खास बात है वो ये है कि जो छात्र सबसे बाद में फिनिश लाइन पर पहुंचेगा वो विजेता बनेगा। यहाँ पर भूल से जाते हैं कुछ छात्र जो पहले पहुंचने के चक्कर में रहते हैं और हार जाते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि प्रत्येक राउंड में कौन विजेता बन रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक जो स्लो साइकिल रेसिंग का राउंड चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे छात्र बाहर हो रहे हैं लगातार, वहीं पर उनका बैलेंस बिगड़ जा रहा है स्लो साइकिल के चक्कर में, और ऐसे में वो बाहर हो जा रहे हैं ग्राउंड के, खेल से बाहर हो रहे हैं। एक और छात्र यहाँ पर ड्रॉप किया, और ये देखिए ये विनर रहा इस राउंड का छात्र। तो इसी तरह से प्रत्येक क्लास वाइज यहाँ पर, अब अगले क्लास की यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से लगातार इस स्लो साइकिल रेसिंग का अंत तक आप देखिएगा, फुल एंजॉय आपको मिलने वाला है। या चले गए दाई के घर, आई गए बच गए। अपनो देखो यार, दूसरे ना देखो यार, तुमने फिर सामने नहीं आओ, सामने नहीं आओ, स्लो स्लो स्लो। लड़का जीतेगा विकास, आराम से विकास। उधर रात
जान दे बस फाइनल राउंड में यहां पर कांटे की टक्कर आप देख सकते हैं इन दो बालकों के बीच में निशांक और गुलफान। इस प्रकार ये फाइनल राउंड स्लो साइकिल रेसिंग का जो आप देख रहे हैं, यहां पर दो बालक बचे हैं अंत में और दो बालकों में से कौन विजेता होगा आप देखिए, आप स्वयं भी धैर्य से देखिए यहाँ पर दो बालकों में कौन विजेता होगा। ये बालक यहाँ पर निशांक कक्षा 7 का ये छात्र है और ये विजेता बना है और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुंदर सी फोटो इस छात्र विद्यालय परिवार के साथ यहाँ पर एक सुंदर सी फोटो होने जा रही है। निशांक कक्षा 7 के छात्र को आप भी बधाई दीजिए कमेंट सेक्शन में।